नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS TV। शो चल रहा है रूबरू, और आज बहुत लंबी कोई ओपनिंग जहन में आ नहीं रही है, क्योंकि अभी शो शुरू होने से पहले बात चल रही थी। आज की जो शख्सियत है उनसे किस बारे में थी, ये इंटरव्यू के दौरान आपको पता चल जाएगा। मगर ज़रूरी ये है जानना कि जिस वजह से मैं ओपनिंग में नहीं जाना चाहता, वो कि कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि आपको अपनी अभी तक की गढ़ी हुई सोच, जिस तरीके से आप सोचते हैं, दो और दो मिला के चार बनाते हैं। जब कोई आके कहता है कि दो और दो मिला के आठ भी बन सकते हैं, निर्भर करता है कि हम कौन से दो मिला रहे हैं, तो थोड़ा सा उद्वेलन मन में उठता है और आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो आज की शख्सियत जो है वो इसी प्रकार की हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस जो थाट्स हैं वो आपको उद्वेलन की राह पर लेके जाएंगी, ताकि आप सहज हो सकें कुछ ऐसे भावों को लेकर जो शायद आप सोचने से भी डरते हैं, सोच नहीं पाते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा ताकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर प्रीति बत्रा जी हैं जो सामने लिखा हुआ है, अभी केवल उतना पढ़ दे रहा हूँ। पैशनेट मोटिवेटर हैं, मेंटोर हैं, राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, और उसके अलावा जो मैं समझ पाया हूँ, आपके जो सपने हैं किसी बिजनेस को बड़ा बनाने के या खुद को बड़ा बनाने के, उन सपनों में हमारी हकीकत जो अभी हम खुद गढ़ते हैं, वो जब खड़ी हो जाती है सामने अवरोध बनकर, तो उसे रास्ते से हटाकर और उस जगह तक पहुंचने का काम करती है। मैम, मैंने बोला था लंबी ओपनिंग नहीं करूँगा, फिर भी कर दी। चलते हैं, आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रीति जी, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारे सारे जो विधाएं मैंने बोली, ये मेरी समझ ये कहती है कि बाय बर्थ इनका होना एक विलक्षण सी प्रतिभा है, हम इन पे काम करते हैं। क्योंकि आप एक अच्छे गायक हो सकते हैं, मगर अच्छे एक एक पूरा सीख कर गायक बनते हैं। आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मगर आप एक डांसर सीख के बनते हैं। तो मैं आपकी ज़िंदगी की शुरुआत समझना चाहता हूँ, जहाँ से आपसे आपने शुरू किया, उसके बाद सीखते सीखते और फिर सिखाते सिखाते आप यहाँ तक हैं। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी 1976 में जी। और आर्य समाजी फैमिली में जन्म होने की वजह से जो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान ज़बरदस्त था। अच्छा। और बट हाँ, ये है कि बहुत कट्टरपंथी, जिसे कहते हैं ना कि आइडियल पूजा करनी ही नहीं है, मूर्ति पूजा की इतनी खिलाफत वो ज़रूर थी। अच्छा। तो अब हुआ ये कि 11th तक पहुँचते पहुँचते वेट काफ़ी हो गया बॉडी के अंदर भी। अच्छा। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है आज की डेट में कि जितना हम इमोशनली अपने ऊपर बैगेज लेते जाते हैं, उतना बॉडी का वेट बढ़ता जाता है। ओके। तो इमोशनल बैगेजेस जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ते चले गए और कट्टरपंथी भी बढ़ती चली गई। अच्छा। इस हद तक के मूर्ति पूजा को बहुत ज़्यादा मैं भी जो है ना उसके लिए बात करने लगी, कि उसके अगेंस्ट में बात करने लगी। पर जब मेरी शादी हुई एक सनातन धर्मी परिवार में, और वहाँ पर जब वहाँ की सारी दिनचर्या वगैरह देखी, तो ये माइंड बहुत अपोज करता था उन चीज़ों को कि ये क्या है। अच्छा। मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। भगवान की दया से एक बुक जो कि हमारे रूम में पड़ी होती थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ओके, और परमहंसा योगानंदा जी की ये किताब मैंने पढ़ी, और इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। क्योंकि इस बुक में बड़ी क्लियरली मूर्ति पूजा के बारे में भी और हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। खैर, एक शादीशुदा ज़िंदगी के बाद में, बच्चे होने के बाद में, या ये कहें कि मैंने अपने लिए वो लाइफ चूज़ की कि हाँ ठीक है, मुझे एज अ होम मेकर रहना है। 15 साल जी, कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ चुकी थी। okay. क्योंकि बाहर कैसे निकलना है, लोगों से बात कैसे करनी है, इस सब का कोई आइडिया नहीं था। जहाँ हम बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर से आपका मतलब यहाँ पे कैसे? जॉब करना। अच्छा। या कहीं पर भी लोगों से मिलने जाना है तो किस तरीके से बात करनी होगी, बिकॉज आप एक एक अपने ही कुएं में बैठे हुए हैं, कुएं का मेंढक बन के बैठे हुए हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने घर परिवार को छोड़कर कोई और है भी जो आपकी तरफ ध्यान देगा, कोई है भी जो आपको सुनेगा। ओके। अब यहाँ से बाहर निकल के आना इतना आसान नहीं था, तो फिर YouTube ने बहुत मदद की। अच्छा। तो मैं YouTube को यूनिवर्सिटी मानती हूँ। अच्छा। और वहाँ से फिर जो है ना, अपने वीडियोस देखना शुरू किया, बातें कम्युनिकेशन कैसे करना है उसकी वीडियोस देखी, फिर धीरे धीरे सीखते 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 एक चीज़ समझ में आई, पहली लाइन
डू इट रॉन्ग। इसको मैंने बहुत आराम से, इसको सहजता से जो है ना स्वीकार कर लिया कि मुझे हर काम को पहली बार गलती करना है। अच्छा, जानकर? जानबूझकर नहीं, होगा ही गलत। आपको पता है जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो वो आपका परफेक्शन में आ ही नहीं सकता। ओके। तो डू इट रॉन्ग इस मंत्र के साथ में मैंने हर काम को करना शुरू कर दिया। ठीक है। क्योंकि पहली बार में आपको कोई अप्रिशिएट करेगा ये तो हो नहीं सकता। पहली बार में तो आप अगर इवन खाने की भी कोई डिश बनाते हो, गलती हो भी सकती है, तो आप अपने माइंड को पहले ही बता देते हो कि यार गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहना, गलती हो सकती है, आप उस गलती को मान लो पहले से कि हाँ हो सकती है, बट डू इट रॉन्ग के बाद में सेकेंड टाइम जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, थर्ड टाइम डू इट बेटर, ओके, फोर्थ टाइम डू इट इवन बेटर, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, एट टाइम, एंडलेस, हर बार जब भी करना है एवरी टाइम इम्प्रूवमेंट, दैट्स इट। तो मैंने सिर्फ उस इम्प्रूवमेंट के स्केल पर चलना शुरू कर दिया, हर दिन कल जो है आज से बेहतर होगा, आज जो है वो कल बीत गए कल से बेहतर है, बस इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए लाइफ ने कैसे बड़ी बड़ी चीजें मुझसे करवाई मैं खुद नहीं जानती, और इतना जबरदस्त भगवान के लिए जो है ना ग्रैटिट्यूड है, इस चीज के लिए थैंकफुलनेस है कि मुझे लगता है कि आज मेरी लाइफ इट्स जस्ट अ फ्लो। बहुत अच्छा। शहर कौन कौन से रहे जीवन में, कहाँ पैदाइश कहाँ की है मामा आपकी? पैदाइश मेरी रोहतक की है। रोहतक, अच्छा। और मेरा जो मायका है वो फरीदाबाद में है, और नोएडा में मेरी शादी हुई, मैं तब से नोएडा में ही है। नहीं, ये समझने के लिहाज से कि कई बार कुछ लोग छोटे शहरों को बहुत बड़ा कारण बताते हैं कि हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारी जो अभी की कामयाबी है ये ज़्यादा बड़ी है, और नाकामयाबी जो है वो उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि हम छोटे शहर से आते हैं, बस इस लिहाज से समझने के लिए। पीसी जी, किताबों का भी जिक्र आता है जब आपकी इस जर्नी की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के बाद पहले किताबें लिखने की तरफ गए या यूट्यूब की वीडियोस के बाद? मैं थोड़ा सा किताबों के बारे में समझना चाहता हूँ। ये जर्नी मेरी रही है 2005 से लेकर 2013 तक की। 2005 से 13, अच्छा। तो 2005 में मेरे बच्चे होने के बाद, बेटी होने के बाद में जब वो स्कूल जाने शुरू हुई तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता था। अच्छा। तो मैंने अपनी पहली किताब जो लिखी, जिसको मैंने पब्लिश नहीं करवाया, द अल्टीमेट यूनिटी, अच्छा, और उसको लिखा, कोशिश की उसको पब्लिश करवाने की, लेकिन वो पब्लिश उस टाइम पर हो नहीं पाई। क्या कारण रहे? कारण ये रहे कि पहली चीज़ तो ये कि मुझे यही नहीं समझ में आता था प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। अच्छा, प्रोसेस नहीं, पूरा प्रोसेस मालूम नहीं था। अच्छा। तो उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। अच्छा। लिखी हुई डायरीज में छोड़ दी। और फिर कुछ हालात ऐसे थे कि 2009 तक मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अच्छा। और इन बिटवीन हुआ ये कि जो कॉन्फिडेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी ख़त्म हो चुका था, और एक मिड लाइफ क्राइसिस तो नहीं बोलूँगी, मगर हमारी शादी में दूरियाँ ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, बिकॉज ऑफ बच्चे, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स। एक जनरेशनल गैप था, क्योंकि इन लॉज के साथ रहना, ठीक है, यहाँ बच्चों में और इन लॉज में वो एक गैप होना, उस चीज़ को, सब चीज़ों को जो है ना मतलब मैं झेलना बोलूँ या क्या बोलूँ, कि वो करते 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 ना मैं कहीं खो गई थी। ओके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को वापस कैसे लेके आना है। यहाँ तक कि एक हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो भी एक बहुत दूर नज़र आता था। उस चीज़ के लिहाज से एक बुक मैंने शुरू की, क्योंकि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी, तो एक फिक्शनल स्टोरी स्टार्ट की जिसका नाम रखा द लॉस्ट अफेयर। और ये स्टोरी जो है, इट इज़ अबाउट मिड लाइफ क्राइसिस, जिस टाइम पे हस्बैंड और वाइफ को ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो या तो
अपने माँ बाप के बच्चे हैं और या फिर अपने बच्चों के माँ बाप है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है ना ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि कुछ लोग शायद उससे जूझ भी रहे होंगे मगर पता नहीं होगा क्या होता है, तो वो थोड़ा बता दें क्या है। दरअसल इस टाइम पे एक इमोशनल जो बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है या एक तरीके से एक दूसरे का एक इमोशनल साथ चाहिए होता है, वो हम एक दूसरे में नहीं बाहर कहीं ढूंढते हैं। किस समय पे? स्पेशली इस एज में जब जो लेडी है वो 40s 50s, कोई एज है ऐसा स्पेसिफिक? डिपेंड करता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप किस हद तक निभा रहे हैं। ओके क्योंकि कई लोगों का 35 के बाद में ही स्टार्ट हो जाता है मिड लाइफ क्राइसिस बिकॉज ऐसा रहता है ना कि हस्बैंड जो है वो अपने बाहर की दुनिया में मस्त है, घर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ न्यूज़ में न्यूज़ देख ली या कुछ है, वाइफ बातें बताना चाहती है उनके पास समय नहीं है सुनने के लिए, हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से बातें करना चाहता है लेकिन वाइफ के पास समय नहीं है, वो वाइफ से वर्षा मतलब दोनों के साथ ऐसा हो सकता है, दोनों के केस में इमोशनल जो एक अटैचमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। ओके तो नेचुरल होता है कि हमारा जो ध्यान है रुझान है वो बाहर की ओर जाने लगता है। अब इस टाइम पर इस स्टोरी बुक को लिखने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि ऐसा जब हो के जब जनरेशनल गैप भी हो, हस्बैंड वाइफ जो है उनको उनका वी टाइम ना मिल रहा हो, क्योंकि मी टाइम की बात तो हम करते हैं वी टाइम की बात नहीं करते, तो वी टाइम ना मिल रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो ये बुक जो है उसी के बारे में लिखी गई। अच्छा। और मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैं अट्रैक्ट कर रही थी एक उस टाइप की जिंदगी जो उस बुक में मैंने लिखी है। Okay. तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये आपकी स्टोरी है, तो मैं उन्हें गर्व से कहती हूँ हाँ ये मेरी स्टोरी मैंने बनाई है। अच्छा, you have created that story for yourself, वो लिखने के बाद। वो लिखने के बाद जी, क्योंकि जो एक हस्बैंड को जैसा होना चाहिए, जैसे सपोर्टिव होते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ को उनके करियर में जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं, जैसे बच्चे होने चाहिए, जैसे इन लॉज होने चाहिए, आज गॉड्स ग्रेस मेरे पास वो सब है जो आज से अगर मैं बात करूं 12 साल पहले या 15 साल पहले वो नहीं था। ओके तो ये बुक जो है इट वाज अमेजिंग, आई मीन इट इज अमेजिंग, अगर किसी ने भी पढ़नी है तो। जी, एक दूसरी किताब भी है आपकी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मुझे तो सुनते ही जवाहरलाल नेहरू साहब की ट्रिस्ट विद डिविनिटी, डिविनिटी है। अच्छा, मुझे ट्रिस्ट विद डिविनिटी वाला मैंने शायद गलत पढ़ा, इसका मतलब डेस्टिनी, मुझे जवाहरलाल नेहरू की स्पीच याद आ गई तो मुझे लगा वो रहा होगा, बट बड़ी स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बात हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ओके सो ये जो बुक है ना ये है एक मल्टी मिलियनेयर के बारे में कि जो अपने ही पैसे को अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, डिटैचमेंट नहीं आ पा रही है पैसे से। हाँ, जो उनकी एम्पायर है वो उसका सक्सेसर अपने बच्चों को नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों ने उनको वो सब नहीं दिया है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, बिकॉज ऑफ विच ऐसा उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये अपनी जो जितनी भी मेरी मटेरियल जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है मटेरियलिस्टिक थिंग्स को वो मुझे इनको नहीं देना चाहिए, और वो घर छोड़कर चले जाते हैं। ओके बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस जो भी उनके बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके बाद उनकी वो जर्नी है कि तकरीबन 10 साल लगते हैं उनको वहाँ से उस स्टेज पर पहुँचने के लिए कि जहाँ वो अपने आप दे देते हैं सब कुछ, डिटैचमेंट। सो ये जर्नी जो है वो डिटैचमेंट तक की है। जी, सो इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ विद डिविनिटी, और ये दोनों मेरे ख्याल से अमेज़न और फ्लिपकार्ट किसी पे हैं? बिल्कुल, दोनों पे अवेलेबल, दोनों पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा, चलिए मैं कोशिश करूँगा अगर उसका एक हम पोस्टर लगा पाएँ या फिर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे पाएँ ताकि लोग उसे पढ़ सकें। प्रीति जी, आप चलते हैं इस पार्ट की तरफ जिसके बारे में शायद मैंने शुरुआत में ओपनिंग में भी कहा कि बिज़नेस की जो बातें होती हैं और मनी कॉन्शियसनेस की बात की थी अभी आपने, कोई लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया मेरे लिए बड़ा भारी था समझ पाना, तो बिल्कुल सच्चाई एकदम बिल्कुल जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप से रख रहा हूँ उसकी समझ आना, पहले तो खुद कैसे समझा आपने और उसके बाद फिर उस जगह तक पहुंचना कि जहां पर आप किसी को ये समझाएं, कोई सवाल करे तो आपके पास जवाब हो, वहां तक पहुंचने का सफर क्या था? तो ये कहानी शुरू हुई थी 2020 में। अच्छा, इन बिटवीन की स्टोरी जो है वो थोड़ा सा क्योंकि रिलेटेबल है मैं बताना चाहूंगी। जी प्लीज प्लीज, प्लीज। कि 2017 में आउट ऑफ नोवेयर, ओके, मुझे नहीं पता कहां से मेरे पास में एक विजिटिंग फैकल्टी जॉब का
ऑफर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी से। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। नोएडा से। अच्छा, आप किस सब्जेक्ट को लेकर? और वैसे भी मैं अगर सच बोलूं तो मुझे जो सब्जेक्ट उन्होंने दिया मैंने चुपचाप ले लिया, क्योंकि 2017 तक कोई और जॉब की ही नहीं हुई थी। ओके, तो आप बताना चाहेंगे कौन सा सब्जेक्ट मिला था? मुझे ऑडिटिंग मिला था, मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट मिला था, मुझे एक और था इकोनॉमिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, बिजनेस रिलेटेड सारे। बिजनेस से रिलेटेड थे। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट्स मुझे मिले ये मुझे 3 महीने में ख़त्म करने थे एक्चुअली, जो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल दिस थिंग रहता है, लेकिन मैंने वो 1.5 महीने में अपने सभी लेक्चर्स ख़त्म कर दिए। ओके, जिस दिन पहला लेक्चर लिया था ना उस दिन बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि 17 साल जॉब ही नहीं की थी। ओके, और वो अचानक से जाना आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ पर मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, उसकी भी कहानी है कैसे हुआ था। तो सुना दीजिए, बहुत वक्त है हमारे पास, आप सुनाइए वो कहानी भी। तो हुआ ये कि हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती हैं और वो वहाँ पर लेक्चरर थी, उनको अपनी बिटिया के लिए 12th में जो पढ़ती थी उनकी बिटिया के लिए उनको हाफ डे अपना करवाना था। तो उनको ये बोला गया कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जब तक आप उसके लिए किसी को नहीं लेके आएंगे तो हम आपको नहीं दे सकते। तो मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं ये कैसे हुआ, तो ये चीज़ों से ना मेरे को समझ में एक बात आई कि भाई उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप PhD की हुई है तो आप प्लीज़ ये ले लेंगी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ले लूँगी। मैं वहाँ गई, पहले दिन बहुत मुश्किल आई, जैसा कि आपको पता है कि तब तक मैं सीख चुकी थी कि डू इट रॉन्ग। तो मैंने पहले दिन उसको गलत होने दिया। अच्छा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि कॉलेज के बच्चे जो हैं जब अपनी पे आते हैं तो फिर टीचर का क्या हाल करते हैं। बिल्कुल, माइनर सेना होती है जी। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद रिपीट होता चला गया अब तक। ओके, आज भी एज अ विजिटिंग फैकल्टी आई एम वर्किंग देयर, और नॉट एवरी टाइम आई टेक दी कॉन्ट्रैक्ट। जब मुझे लगता है कि अभी मुझे नहीं लेना है तो मैं मना कर देती हूँ, बट अदरवाइज आई टेक दैट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बच्चों के साथ में बात करना, डील करना, मुझे आज भी बहुत मज़ा आता है उनके साथ में काम करने में। बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे मुझे लगा 2017 में कि ये लाइफ क्या गेम खेल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब 2020 में क्योंकि कोविड की वजह से विजिटिंग फैकल्टी जॉब्स ख़त्म हो गई, यहाँ पर भी माथा ठनका कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब लाइफ में इतने ज़्यादा फेरबदल कैसे हो रहे हैं। 2000 से अगर मैं अपनी जर्नी लेती हूँ तो ऐसे जैसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ ऐसे कुछ चल रहा है, ये हो क्या रहा है। और यहाँ से मेरा जो रुझान था वो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। ओके, कि लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या है, तो मैंने उसकी वीडियोस देखनी शुरू की। क्या होता है जी लॉ ऑफ रेजोनेंस? बेसिकली फिजिक्स का लॉ है, और जैसे फिजिक्स कहता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जब किसी भी चीज़ की लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में आती है और आप उस चीज़ को देख पाते हो। ठीक है। सिमिलरली हमारे जो इंटरनल मन के अंदर जो मैटर है, जो सबसे माइन्यूट मैटर है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो भी वाइब्रेशन में होता है, क्योंकि वाइब्रेशन में ना होता तो हमारी ECG वेव्स या इको टेस्ट जब हम करते हैं तो वो ब्रेन वेव्स वाइब्रेशनल पैटर्न में ना आती। ठीक है। वो जो वाइब्रेशन है जो आप अंदर से फील कर रहे हो, तो जो कुछ भी आप फील कर रहे हो अंदर, वो आपकी जो इनर रियलिटी है वो आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती है। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हो अपने आसपास। ओके। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपकी पेरिफेरी में जो जो आते हैं उन चीजों से आप रेजोनेट करते हो और आप उन सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ओके। तो ये जब आप रेजोनेंस को समझते हो कि जैसे ही जैसे हम आप उस चीज़ के साथ में रेजोनेट करते हैं, हम उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने इस चीज़ को पूरा का पूरा अपनी लाइफ के साथ में लगाने की कोशिश की कि हाँ ये किस तरीके से हुआ। एंड आई कुड रियलाइज कि अपनी जिस लाइफ को मैं आज जी रही हूँ वो शायद मैंने ही क्रिएट की है बाय थिंकिंग अबाउट इट। क्योंकि जब मैंने PhD की थी, UGC क्वालिफाई किया था, तो लेक्चरर बनने की इच्छा थी। अच्छा। मगर वो इच्छा 2017 में पूरी हुई। ऑथर बनने की इच्छा थी जो 2018 में मेरी बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई। वो पब्लिशर्स जो हैं वो कैसे आए रास्ते में। हर चीज का नेचुरली होना इस बात का सबूत था कि मैं अपनी लाइफ क्रिएट कर रही थी। ओके।
मुझे इस चीज़ को समझना था, क्योंकि इस चीज़ की तय तक जाना था। तो इस चीज़ को समझने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस को समझा, इस चीज़ के बारे में कोर्सेज किए, क्लासेस ली। समझने के बाद में लगा कि यार ये इतनी प्यारी विद्या है, इसको सबको पता होना चाहिए। और यहीं से सीखा वेल्थ कॉन्शियसनेस को, किस तरीके से हमें बढ़ाना है और क्यों बढ़ाना है। वेल्थ कॉन्शियसनेस क्यों बढ़ाना है, क्या होता है वेल्थ कॉन्शियसनेस? यदि हम बात करते हैं, इस दुनिया के अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये वर्ल्ड इनफाइनाइट है। इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज में आप अपने लिए कौन सी पॉसिबिलिटी को चुनते हैं? पॉसिबिलिटी वास्तविकता की आप बात कर रही हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही हैं, कैसे? मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा। पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो हैं जो आप क्रिएट करते हैं अपने मन में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं राइट ब्रदर्स की, ठीक है, तो राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाया तो वो एरोप्लेन वास्तविकता नहीं थी। ओके, वो वास्तविकता बनाई गई। इट वॉज क्रिएटेड, इट वॉज क्रिएटेड पहले माइंड में, फिर एक्चुअल वर्ल्ड। किसी भी चीज को यदि हमें करना है, फॉर एग्जांपल आपने हाउस बनाना है, अपना घर बनाना है, तो आप आर्किटेक्ट जो बुलाते हो उसको, तो आपके माइंड में एक पिक्चर होती है अपने घर की कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे इस तरीके से जो है ना ये चीज़ यहाँ पर चाहिए, ये चीज़ वहाँ पर चाहिए। तो आपके माइंड में जो वास्तविकता उस चीज़ की है, पॉसिबिलिटी उस चीज़ की है, उसको आप पेपर पे उतारते हैं पहले, और फिर आप उसको आउटर रियलिटी में देखते हैं। डे वन पे अगर आप बोलेंगे कि मुझे तो सिर्फ ईंट गारा पत्थर सब लगाना है और घर बन जाएगा, तो वैसा घर आप नहीं बना पाएंगे जो आपके माइंड में है जी। तो इतनी सिर्फ हम मटेरियल चीज़ों के लिए क्यों सिर्फ अपने माइंड के बारे में, इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते, मेरी पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है जी। तो मैं यदि अपनी पॉसिबिलिटी अपने माइंड में तय कर लूँ, ठीक है, तो फिर मुझे उस जगह तक पहुंचाने के लिए, कहते हैं ना वो यूनिवर्स पूरा का पूरा साथ देता है कि शिद्दत से यदि आप किसी चीज़ को पाने पाओलो कोएलो साहब की लाइन है अल्केमिस्ट से, जो कि इस्तेमाल कर ली गई है फराह खान की एक पिक्चर में, कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने से लग जाती है। वेल क्रिएटिंग अ बिजनेस अराउंड किसी भी, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विस या जो भी कोई अभी जहन में आए, वहाँ इसका एप्लीकेशन आप किस तरह से सिखाती हैं लोगों को या फिर किस तरह से बताती हैं? सबसे पहली बात तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है क्योंकि हम बचपन से ही अपने चॉइसेस को लेकर जो है ना हमेशा दो चॉइसेस के साथ में खेल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह मुझे उठना है, अलार्म लगाया मैंने, और अलार्म लगाने के बाद में मैं उठी नहीं, तो मेरे ब्रेन को, मेरे माइंड को समझ में आ जाता है कि यार इसने अलार्म तो लगाया मगर ये उठ नहीं रही है, ठीक है। तो वो माइंड कहता है कि यार छोटे छोटे डिसीजंस तो ये ले नहीं सकते, बड़े बड़े क्या लेंगे। कैसे पेरेंट्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? पेरेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ा रोल सिर्फ ये प्ले करते हैं कि वो बच्चे को चॉइस करने ही नहीं देते, वो डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं बनाते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स अलाइंड होने चाहिए आपके एक्शंस के साथ। कथनी और करनी में यदि फर्क होगा तो माइंड आपका आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस तक आपको लेके जा ही नहीं सकता। आप जो कह रहे हो वो आपको करना है। अच्छा, तो जब आप ये डूइंग और थिंकिंग डूइंग जो गैप है, इसको जब आप खत्म करते हो, कथनी और करनी के बीच का अंतर, उसको जैसे ही आप खत्म करते हो, आपका दिमाग चलने शुरू हो जाता है कि यार मुझे अपने उस लेवल पे पहुंचना है जो लेवल मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ। ओके, और जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे, तो हमको ऐसा लगता है कि पैसा जो है ना वो कमाया जाता है। एक्चुअली पैसा क्रिएट किया जाता है, पैसा बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ बिजनेस। आप अपने प्रोडक्ट्स को, चाहे वो आप नॉलेज दे रहे हो, चाहे सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हो, आप किसी की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो जब आप वो कंट्रीब्यूट करते हो जी, और आपकी लाइफ एक कंट्रीब्यूशन बन जाती है, तो बिजनेस को हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते। ओके, और वहां पर एक एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उस एनर्जी को, बिकॉज मनी इज एनर्जी, ओके, मनी इज एनर्जी, अगर आप उस एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करेंगे, मनी इज एनर्जी बिकॉज इट गिव्स यू पावर फ्रॉम इनसाइड,
अगर पैसा आपके पास है तो आप बहुत पावरफुल फील करते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास में एक एनर्जी है, पैसे की एनर्जी से आपके अंदर वो शक्ति आती है बात करने की, कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे इस टाइम पर जो ये बात करनी है वो मैं क्यों इस तरीके से मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास में वो एनर्जी है, अगर मुझे कोई बोलना चाहेगा या कुछ कहना चाहेगा तो मुझे मालूम है कि मेरी एनर्जी लेवल क्या है। तो मनी आपको वो एनर्जी देता है, वो पावर देता है अंदर से, इंटरनल पावर। उस पावर के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप उस चीज़ को और बढ़ाते हैं, तो मनी ऑल्सो स्टार्ट्स लविंग इट। वर्क बोथ वेज, बोथ वेज। मनी इज लाइक योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और लव्ड वन। लव्ड वन, आप उसको उसी तरीके से ट्रीट कीजिए ना। जो इमोशन आपके माइंड में जी मनी को लेकर होगा, वही इमोशन से मनी आपको मिलेगी। ओके, कोई एग्जैक्ट एग्जांपल अभी आपके जहन में है किसी बिजनेस को लेकर, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, इफ यू कैन एक्सप्लेन मी लाइक हाउ दिस पर्टिकुलर माइंडसेट एंड हाउ दिस अप्रोच वर्क्स, किस तरह से काम होता है, कोई अगर आपके जहन में आ रहा हो, आपका ही कोई किया हुआ काम। बेंगलोर की एक लेडी हैं सिमी कुटुंब, और इनका जो है ना वो बहुत टाइम से जो है वो अपना कोर्स लॉन्च करना चाह रही थी, मगर समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। तो उनको मैंने बोला कि देखो, जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उस बेनिफिट को समझते हुए आप अपने कस्टमर को दिखाइए कि ये बेनिफिट है, ठीक है? और हमने उनकी एक बीटा टेस्टिंग ऐड बनवाई। कौन सी ऐड? मतलब उसको टेस्ट करने के लिए कि पहले हम मार्केट में टेस्ट करेंगे। ओके, तो उस ऐड के जरिए उनके पास में तकरीबन 30 एनरोलमेंट्स आए। ठीक है, तो 30 एनरोलमेंट्स में जब वो उस जब उन्होंने अर्न किया उस चीज से, तो उनका तुरंत मेरे पास में मैसेज आया कि प्रीति, योर कोर्स इज पैसा वसूल। अच्छा। तो ये एक लाइव एग्जांपल था इस चीज का कि जब आप एज अ कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उनको पैसा आपको देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब हम कस्टमर की साइकोलॉजी को समझते हुए पैसा उनसे गलत तरीकों से लेना चाहते हैं, तो वो पैसा फिर टिकता भी नहीं है। बिकॉज माइंडसेट आपका मनी माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट के अंदर आप अपने पैसे को एज ब्लेसिंग्स देखते हो। यू आर हेल्पिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, स्पेसिफिकली एंड स्पेशली दोस, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ। ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू कोर्स है। ओके, जिसके अंदर मैं वेमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हूँ, पहले उनका वेल्थ कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए। ओनली वेमेन अभी तक? यस। ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन इज ऑलवेज यू नो इट्स ऑलवेज ऑन द टेबल। तो यूथ, वेमेन, मेन, आज की डेट में ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है, बट वेल्थ कॉन्शियसनेस रेज करना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि पहली चीज़ जो उनके दिमाग में होती है कि मुझे पैसा किसी से मांगना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि बिजनेस पैसे से होता है। ओके, तो जैसे ही उनके दिमाग से ये चीज़ निकलती है कि नहीं, बिना पैसे के भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, वो पूरा तरीका मैं उनको बताती हूँ। उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, उस कॉन्फिडेंस को लेके आना, कि जिस कॉन्फिडेंस को वो बार 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 उनका शैटर हो जाता है जैसे ही कुछ गलत होता है, तो उसमें लॉ ऑफ रेजोनेंस के साथ में आगे बढ़ना, कि आप पहले से अपने दिमाग में क्या सोचें कोई भी काम करने से पहले, वो विनिंग माइंडसेट के साथ में चलें। एक तरीका होता है कि यार, यू आर प्लेइंग टू विन और यू आर प्लेइंग नॉट टू लूज जी। तो आप उस विनिंग माइंडसेट से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये करना है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पर्पस कॉन्शियसनेस को समझना। ओके, कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, और मुझे अपने आप को किसी को प्रूव नहीं करना है। आई एम द कॉन्शियसनेस, आई एम द फ्लो, और मुझे उस फ्लो को समझना है कि मेरा इस दुनिया में पर्पस क्या है, किस तरीके से मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और किस तरीके से किसी और की लाइफ को मैं बेहतर बना सकती हूँ। यदि मैं वो कंट्रीब्यूट कर कर किसी की लाइफ को बेहतर बना सकूं, तो मेरी लाइफ सफल है। ओके, एंड दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर दोस वुमेन आउट देयर। करेक्ट। तो बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो मेरा जो फीस है वो नहीं पे कर पाती हैं, तो उनके लिए फिर मैंने उनको यही बोला हुआ है कि आप सिर्फ माइंड में अपना माइंड मेकअप कीजिए कि आपको करना है। तरीके मैं आपको बताऊँ करना कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी।
हम इस चीज़ को दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। आपका जो पैसा है जब आप कमाएंगे आप मुझे दे सकते हो। राइट, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फ्री फॉर यू एट द सेम टाइम, ताकि आपके जहन में ये ना आए कि एहसान बतौर किया गया है, आप कमाइए बाद में दीजिएगा। बहुत अच्छा, एक एक आत्मसम्मान का भाव, क्योंकि वही तो लेके आना है। बिल्कुल, अगर आज ऐसा कर दिया तो शायद वो ना आए। बहुत अच्छा, हम आखिरी सवाल मेरी तरफ से है, वो ये कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अभी करंट सिनेरियोज में, जो यूथ उठा लें आप, और आप क्योंकि बच्चों के साथ बहुत डील करती हैं, मैंने अभी वानर सेना बोल दिया, हो सकता है कमेंट में भर दे कि कैसे बोल दिया, पॉलिटिकली करेक्ट होना होता है, भगवान राम के साथ जो वानर सेना थी उसके लिए हाथ से बोला है, बुरा ना मानिएगा, तो उनको जहन में रखते हुए और स्पेसिफिकली ऑल दीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनकी आप बात कर रही हैं, एक कॉमन मिस्टेक, आई विल कॉल इट एक कॉमन मिस्टेक, व्हेन दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अचीविंग एनी माइंडसेट व्हिच माइट बी, व्हिच कैन बी फ्रूटफुल फॉर देम, वो एक अप्रोच क्या है जो कि शायद मेरे ख्याल से वो एक गलती क्या है जो सब लोग अधिकांश रूप से करते हैं आपके हिसाब से? अधिकांश रूप से ये कि वो ट्राई ही नहीं करते। सबसे पहली चीज़ के एक पहले से भाव जो हमारे दिमाग में है, जो हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रखी है, कि जिसके वजह से हम लोग जो है ना ये समझते हैं कि अगर मैंने किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। तो ये जो फियर है, इसको फियर को फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को सिर्फ इतना सा तैयार करना है कि डू इट रॉन्ग। ओके, डू इट रॉन्ग। आप सिर्फ एक इस माइंडसेट को साथ में लेके चलिए कि मुझे इस काम को गलत करना है। ये कुछ कुछ ऐसे है जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, या जब स्कूल कोई बच्चा पहली बार जाता है, या बच्चे के जब दांत निकल रहे होते हैं, तो वो जो दर्द होती है, ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, तो डू इट रॉन्ग करने से जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है ना, यदि हम उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं तो हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जी, एक बस एक छोटी सी चीज़ और, कई बार ये कहते हैं कि ज़िंदगी दूसरा मौका शायद नहीं देती है, कई बार आपको एक ही मौका मिलता है और उसी मौके पे आपको बेस्ट करना होता है। डू यू अग्री विद दिस आइडिया? एक कमाल की बात बताऊँ? जी बिल्कुल बताएं। मेरी लाइफ में कोई रूल नहीं है। देयर इज नो सर्टेन रूल। क्यों? क्योंकि जो रूल मैं अपने माइंड को दूंगी, मेरा माइंड उस रूल को ट्रू मान लेगा, क्रिएट कर लेगा सामने। बस तो आपकी लाइफ के रूल्स वही हैं जो आप मानते। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभिश के इम्तहां और भी हैं, तू शाहीन है काम पर वास तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। बिल्कुल, जीत और हार एक ही हिस्से के दो पहलू हैं। अच्छा, यदि खेल ही नहीं तो कैसी जीत कैसी हार, यदि खेल ही नहीं तो कैसी जीत कैसी हार, जिंदगी की बाजी ये देखकर नहीं खेली जाती कि हार गए तो क्या होगा। जिंदगी की बाजी में हर हार में एक जीत छिपी है और हर जीत में एक हार। मजा तो तब हो कि जब जिंदगी में हार के डर से जीत जाएं हम, दे सामने से जिंदगी को ललकार कि अब कोई डर नहीं, चाहे जीत हो चाहे हार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद आ रही हैं। एक तरफ शिव मंगल सुमन जी की, कर्तव्य पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मारूंगा रार नहीं ठानूंगा। दूसरा आ रहा है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, उत्ते फुलके गिरे जो घुटनों के बल चले। मगर ठीक है, घुटनों के बल भी चला जा सकता है, गिरने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, मगर उठने की एक एक पॉसिबिलिटी बढ़ भी जाती है। जो हार जीत की आपने बात कही कि हर एक जीत में एक हार है, हर एक हार एक में एक हार में जीत है, तो अगर अभी कोई घुटनों पे चल रहा है तो हो सकता है कल खड़े होके भी चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी, अब ख़त्म करने का वक्त है इसको, इंटरव्यू को। बड़ा मज़ा आया और पर्सनली मेरे लिए इस लिहाज से बेहतर था क्योंकि अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले ऑफ द कैमरा जो बातें मैं आपसे कह रहा था, आशा अब मैं उनके बारे में जाके सोचूंगा कि क्या वो मेरी सच्चाई है, क्या मैं पैसे के साथ ख़राब हूँ, क्या पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है या पैसा प्राइमरी है, और या फिर अभी जो प्राइमरी सेकेंडरी की डेफिनेशंस है मेरे लिए वो सही है या गलत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। आमतौर पर होता यह है कि एंडिंग में काफ़ी सारे शेर और ये सब सुनाए जाते हैं, मैंने तो इससे पहले ही काफ़ी सारे सुना दिए, आपको याद भी नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि शेर व शायरी किसी बात को खूबसूरत कर देने के लिए होते हैं
और अगर आप उस शेर व शायरी की तरह ज़िंदगी को जिए, कुछ कुछ को सबको नहीं, तो ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। और पैसे का जो समझ है पैसे की, कि अभी सीरीज़ भी आई थी उसमें डायलॉग भी था कि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है, तो उन्होंने अलग तरीके से बनाया था, वैसे ना बनाए। तो दूसरा जो तरीका है पैसे बनाने का वो सीखना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो भी अवेलेबल लिंक्स हैं, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। मैं भी पैसा बनाऊँगा और आप भी पैसा बनाइए, और उस पैसे से ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, न केवल अपनी बल्कि अपने आसपास जो लोग हैं उनकी भी। और एक और तरीका है ज़िंदगी बेहतर बनाने का, वो ये कि एमएसटीवी देखते रहिए और खुश रहिए।